इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे ही हम टैली खोलते हैं कोई कंपनी बाय डिफॉल्ट अपने आप लोड हो जाती है। अगर मुझे उसके बदले कोई दूसरी कंपनी खोलनी हो अपने आप बाय डिफॉल्ट तो उसका सेटिंग आप कैसे चेंज करेंगे, या फिर कोई कंपनी खुलनी नहीं है तो उसका सेटिंग आप कैसे चेंज करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे रीराइट ऑप्शन के बारे में। तो अब मैं आपको टैली खोल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हेमेंद्र नाम की एक कंपनी खुल रही है। अब मैं यहाँ से F1 सेलेक्ट कंपनी में जाकर देखता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कंपनी से, बट ये यहाँ पर यही कंपनी खुल रही है और इसका लोकेशन जो है डी में टैली ERP 9 में है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डी में टैली ERP 9 में चले जाऊँगा और यहाँ से ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है उस फाइल में मैं चेंजेस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं टैली को कर देता हूँ क्लोज और अब टैली कॉन्फ़िगरेशन में मैं चले जाता हूँ और यहाँ से आपको इस ऑप्शन को ढूंढना होगा डिफ़ॉल्ट कंपनीज जो है उसके नीचे यहाँ पे लोड उस कंपनी का नंबर लिखा हुआ है। तो फिलहाल अगर इसे मैं यस की जगह पर नो लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ फाइल में जा करके, सेव और क्लोज कर देते हैं। तो अब इसे खोल के देखते हैं, यहाँ पर कोई कंपनी खुलनी नहीं चाहिए। सो आप देख सकते हैं इस बार कोई कंपनी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नहीं खुली। अब मैं सेलेक्ट कंपनी में जाता हूँ, इस बार मुझे यहाँ पर हेमेंद्र की जगह ABC कंपनी खुलनी है। तो इसका नंबर जो है वो आप नोट कर लीजिए 1001 और टैली को कर देते हैं दोबारा क्लोज और वहाँ पर उसी फोल्डर में चले जाते हैं जहाँ पर टैली आपकी इंस्टॉल्ड है और वहाँ से ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वाली फाइल है इसे डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं। इस बार आप उसे नो की जगह यस ही रखेंगे लेकिन नीचे जो नंबर है वो चेंज कर देंगे। इसको मैंने यस रख दिया और यहाँ पर ये 1001 कर दिया मैंने इसे। कंट्रोल एस दबा करके या फिर फाइल में जा करके सेव दबा करके आप इसे सेव कर सकते हैं और इसे कर देते हैं क्लोज। इसके बाद में आप टैली खोलते हैं दोबारा, तो इस बार ABC कंपनी खुलनी चाहिए हेमेंद्र की जगह पर। तो आप देख सकते हैं इस बार ABC कंपनी खुली है हेमेंद्र की जगह पर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, मैं इसे शट कर देता हूँ Alt+F1 दबा करके कंपनी। एग्जांपल के लिए कोई कंपनी आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, यानी वो खुल नहीं रही है या कुछ एरर आ रहा है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप उस कंपनी का बैकअप ले लें उसके बाद में ये ट्राई करें। बैकअप लेने के बाद में आप प्रेस कर सकते हैं आपके कीबोर्ड पर से Ctrl+Alt+R, इसे कहते हैं रीराइट कंपनी। तो इससे क्या होता है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो रेक्टिफाई होने के 99% चांसेस होते हैं। उसके बाद में आप जिस कंपनी को रीराइट करना चाहते हैं उस पर एंटर कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है कि आप रीराइट करना चाहते हैं, आप दबा दीजिए यस। आपने अगर ऑलरेडी बैकअप ले लिया तो आप इसे नो कर देंगे, नहीं बैकअप लेना चाहते तो यस कर देंगे। फिलहाल मैं इस पर नो कर देता हूँ और ये रीराइट हो चुका है। उसके बाद में अगर आप आपकी कंपनी खोलेंगे तो वो खुल जाएगा और एक जगह भी आपको ये काम में आएगा। एग्जांपल के लिए आपका अगर वर्जन मिसमैच आ रहा है, जैसे ERP 9 का रिलेटेड कोई अगर वर्जन है या फिर 9 का रिलेटेड कोई वर्जन है, तो ये भी इससे क्लियर होने का चांस रहेगा, राइट। एकदम प्रीवियस वर्जन से ये नहीं हो पाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।